हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने कुछ प्लांट्स दिखा रही हूँ, उनके बारे में कुछ बताती हूँ और उनकी कटिंग भी मैंने लगाना है। तो मैंने सोचा एक वीडियो दिखाती हूँ आपको कटिंग कैसे लगाएंगे हम। तो आज हम ये गुलदाउदी का प्लांट है मेरा, आप देख सकते हैं ये, और एक ये है, और ये दो प्लांट्स मेरे बड़े हो रखे हैं गुलदाउदी के प्लांट। तो इनकी मुझे कटिंग लगानी है अभी, और इनसे और सारे प्लांट मैंने बनाना है। तो ये गुलदाउदी, इनको क्राइसेंथमम भी बोलते हैं, तो इनकी कटिंग हम अभी लगाएंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ, मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं, ये सीज़र है, इनको मैंने डिटॉल से साफ़ कर रखा है। तो कोई भी कटिंग अगर आप कर रहे हैं अपने सीज़र से, तो इनकी पहले इनको आप डिटॉल से या सैनिटाइज़र से क्लीन कर लें, फिर आप कटिंग करें, मतलब तभी सीज़र को प्लांट्स में टच करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आज ये कटिंग लगाने जा रही थी, तो मैंने सोचा दिखाती हूँ। ये इनसे मैं तीन चार अभी कटिंग, और ये मेरा येलो कलर का क्रिसेंथमम है और ये मरून, तो इनको भी मैं ऐसे कट करूँगी। आप इनको जितने कट करोगे, ये और इनमें ब्रांचेस निकलती जाएंगे। तो आपके पास अगर ये गुलदाउदी हैं, तो आप इनको ऊपर से कट कर दीजिए और इनकी और ब्रांचेस निकल जाएंगे। मुझे लगाना है, मुझे मैंने इनसे और भी प्लांट्स तैयार करने हैं। तो आप देखिए, दोनों के दो कलर हैं, ये मेरे मरून कलर का है और ये येलो है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इनके छोटी छोटी कटिंग्स मैं अभी करती हूँ इनको। ये है इनकी और छोटी कटिंग मैंने करना है, तो इनको मैं कट कर करके अलग कर लूँगी। तो इनकी लीव्स को भी मैंने थोड़े से कम कर देने हैं, क्योंकि लीव्स ज़्यादा नहीं रखनी इनकी, कट कर दीजिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ तभी अच्छी होएंगी। इनकी लीव्स हमें कट कर देनी है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये मैंने ऐसे लीव्स को ऐसे कट कर देना। मौसम अच्छा हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा है अभी, तो काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं ये कटिंग लगा नहीं रही थी फ्रेंड्स। तो अभी मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश आने वाली है, तो मैंने सोचा कि ये कटिंग मैं लगाती हूँ गुलदाउदी की। ये कटिंग इस समय लगा लीजिए आप लोग, तो हमें सर्दियों में काफ़ी अच्छे फ्लावर मिलेंगे। अगर आपको और भी प्लांट्स बनाने हैं तो मुझे और भी प्लांट्स अपने, जो मेरे येलो और मरून कलर की गुलदाउदी हैं, तो उनसे ये मुझे और भी प्लांट्स तैयार करने थे। तो ये है मेरी कटिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, बहुत इजी ग्रो होता है ये गुलदाउदी की कटिंग। ये है एलोवेरा जेल, नेचुरल हमारे यहाँ प्लांट्स लगा हुआ है, वही जेल मैंने निकाल रखा था, तो मैं इनमें ही डीप करके अपने ये गुलदाउदी के प्लांट्स लगाऊंगी फ्रेंड्स, अच्छे से पूरा इनको काफ़ी अंदर तक, ये आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, ये ऐसे इनको आधा मैंने अंदर डीप करके लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये है ये मरून है, तो हम येलो और मरून अलग अलग थे, मैंने ये दोनों को एक में ही लगाने हैं, एक ही गमले में फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, चेंज है दोनों के कलर, ये मरून है और ये मरून है और ये येलो, पता चल रहा है आपको। तो ऐसे ही मैंने इनको डीप करके एलोवेरा जेल में फ्रेंड्स, ये देखिए, और इनको मैंने ऐसे लगा देना है। ये आपका आपके प्लांट्स में अगर आप एलोवेरा जेल वगैरह ये लगा के करते हैं, तो इनमें फंगस नहीं लगेंगे, जो एंटी फंगल यूज़ करते हैं, हमने ऐसा कोई चीज़, ऐसे कोई फंजीसाइड पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने सीधा जेल लिया है, जेल को लगा दिया है अपने प्लांट्स में, इससे काफ़ी अच्छी रूट्स डेवलप हो जाएंगी और कोई फंगस भी नहीं लगेगा जेल लगाने से। तो ये मेरी कुछ कटिंग थी गुलदाउदी की, तो मैंने कहा कि लगा के आपको दिखाती हूँ। अभी लगाएंगे फ्रेंड्स, तो ये विंटर में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो ये मैंने येलो और मरून हमारी थी, हमारे पास वाइट भी है और भी कलर हैं, पर वो इतने अच्छे घने नहीं हैं मेरे प्लांट्स जितने ये येलो वाले और ये मैरून वाले, ये काफ़ी घने थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये मिक्स करके लगाऊंगी। ये देखिए, दोनों में
पत्तियों का कलर कितना चेंज है, येलो वाली ये है और ये मरून है, कितना चेंज कलर है फ्रेंड्स। तो ये मैंने जेल लगा करके मैंने ये कटिंग अपनी इस गमले में लगा दी है। ये मिट्टी इसमें पहले से ही पड़ी थी, ये गमला मेरा खाली पड़ा था, सिंपल मिट्टी है, इसमें कोई मैंने अभी फर्टिलाइज़र या कोई ऐसे कंपोस्ट नहीं यूज़ किया है, इसमें पहले से ही जो पड़ा था वर्मी कंपोस्ट वगैरह मैंने स्पेशली कुछ नहीं डाला, सिंपल मिट्टी है, जो पहले का इसमें कंपोस्ट था वही मिट्टी है और इसमें ही मैंने लगा दिया। और इसमें अभी कोई ऐसी खाद डालनी भी नहीं है, अभी मैंने इनको ग्रोथ के लिए सिर्फ मिट्टी में लगा रखा है और इनकी वाटरिंग कर देते हैं हल्की सी, ऐसे छिड़काव मैंने मिस्टिंग कर दी है बस। ये फ्रेंड्स देखिए, ऐसे हल्के से बस पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर हल्के हल्के पानी आपको डेली डालना है और शेड के नीचे रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में इसको मुझे नहीं रखना है, तभी इनकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जल जाएगा, इतनी तेज़ धूप हो रही है तो ये प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये मैंने कुछ आज कटिंग लगाई है, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो मैं इनकी वीडियो बना करके फिर से दिखाऊंगी। तो ये छोटी सी कटिंग है, मैंने एलोवेरा जेल लगा करके लगाया है, कोई फंजीसाइड नहीं, कोई रूट हार्मोनल नहीं, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है और ये एलोवेरा जेल लगा करके मैंने इनको लगा दिया है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ ले लेंगी, बहुत अच्छा होता है ये। मैंने और भी कटिंग इनकी लगा रखी है बड़े गमलों में, तो ये मैंने दिखाना था आपको। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ये गुलदादी के प्लांट्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।